के दूसरी जानिब तैयारा हादसे में शहीद होने वाले कैप्टन सजाद गुल के वाली डिफेंस में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे लिए खजूर लेके आओ और हमेशा तोहफा वो लाता था मुझे और फिर मुझे तो हैंड ओवर करता था। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ PIA का लॉस नहीं, ऐसे पाकिस्तान का लॉस भी है। ये पाकिस्तान का लॉस है इसलिए कि ऐसे ही आदमी पाकिस्तान बनाते हैं और एक कंट्री बनाते हैं या एक अदारा बनाते हैं और अल्लाह ताला ने उसमें ऑनेस्टी। मैं क्योंकि कंट्री मैनेजर जापान भी रहा हूँ। सजाद मेरे चार बेटों में सबसे बड़ा बेटा था, था तो मेरा बेटा लेकिन मेरे लिए वो दोस्त भी था बाजू भी था। 20 साल पहले मेरी बेगम फौत हुई तो उस वक़्त से लेके आज तक सजाद ने मुझे लुक आफ्टर भी किया और अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दी। बहुत बहादुर फोकस्ड फैमिली मैन डाउन टू अर्थ ऑनेस्ट आदमी, दरवेशों और फरिश्तों के लिए ऑनेस्ट। उसके नज़दीक तसव्वुर ही नहीं था कि कोई गलत कमाई या गलत काम भी किया जा सकता है। 7-8 लाख उसकी तनख्वाह थी, उसमें से 1/3 से लेके 1/2 तक रेगुलरली वो लोगों की, ख़ानदान की, मिलने वालों की, ज़रूरतमंदों की मदद पर खर्च करता था। इतना डिवोटेड आदमी था अपने काम से, जब कभी कोई गिला हो या बात हो तो वो कहता कि हमें अपना अपना काम जो है वो ठीक तरीके से करना चाहिए। जहाँ तक तल्लक है बाकी चीज़ों का, जिनकी ड्यूटी है वो जो है वो कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। उसको 3 गुना ज़्यादा ऑफर हुई थी एमरेट से, ये कोई चंद महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा जस्ट वॉक इन और आके तो एग्रीमेंट साइन कर लो। तो उसने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने भी कहा कि चले जाओ यार, हमारे हालात ठीक नहीं है, दिन ब दिन ख़राब हो रहा है तुम्हारा इदारा। तो कहने लगे नहीं, ये और पाकिस्तान और अपने आदमी और आप सब को नहीं छोड़ के जाना चाहता।